भारत की अग्नि प्राइम के टेस्ट के बाद भयंकर भूचाल। चीन और पाकिस्तान में मिसाइल को लेकर बड़ी टेंशन। चीन का जासूसी पोत भी नहीं सूंघ सका मिसाइल को। इधर भारत की कामयाबी पर अमेरिका रूस ने बजाई तालियां। दोस्तों, भारत की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत ने बेहद ही कम समय में दुनिया ये बता दिया है कि भारत की तकनीक दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। अमेरिका, रूस और फ्रांस अब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल और फ्रांस तो भारत से हथियार तक खरीदने लगे हैं। दोस्तों, अब इसी क्रम में भारत ने आज एक बार फिर से एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है अपनी अग्नि सीरीज की मिसाइलों की टेस्टिंग को लेकर। आपने हाल ही में देखा होगा कि अग्नि 5 के आगे वाले हिस्से पर भारत ने एक साथ कई मिसाइलों को लगाया था, जिसे MIRV तकनीक कहते हैं। ये सभी अलग अलग मिसाइलें फायर होकर अलग अलग दिशाओं में मौजूद टारगेट्स को जाकर हिट करती हैं। भारत ऐसी तकनीक रखने के साथ ही एक खास तरह के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। दोस्तों, अब आपके लिए एक और खुशखबरी है और चीन पाकिस्तान के लिए बुरी खबर। दरअसल भारत के DRDO ने अगली पीढ़ी की एक और मिसाइल का जोरदार टेस्ट कर डाला है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। खास बात यह है कि भारत ने इसका टेस्ट रात के समय किया है। जब चीन और पाकिस्तान सोने की तैयारी कर रहे थे, तब भारत की अग्नि प्राइम ने एक जोरदार धमाके के साथ एक नई तरह की ताकत को पा लिया, जो अकेले ही दुश्मन को ठिकाने लगाने का मादा रखती है। पूरी खबर बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे कि आखिर अग्नि प्राइम मिसाइल क्यों अग्नि 5 से भी घातक बन गई है। चीन का जासूसी पोत इस मिसाइल को सूंघने क्यों एडी छोटी का जोर लगा चुका था। क्या कारण रहा कि चीन चाहकर भी इस मिसाइल का टेस्ट से पहले नाम तक नहीं जान पाया। अग्नि प्राइम मिसाइल की किस खासियत पर फिदा है अमेरिका, कर चुका है इसकी चर्चा। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस मिसाइल को बनाने वाले देश के वैज्ञानिकों को सम्मान, उनके सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को पूरा भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको भारत के वैज्ञानिकों को इस शानदार कामयाबी के बारे में पता चल सके। भारत ने बना लिया अग्नि सीरीज का सबसे खूंखार हथियार। आकार में छोटी ये मिसाइल भयंकर मचाती है तबाही। सबसे पहले तो आप इस मिसाइल की टेस्टिंग के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि चीन ने खासकर इस मिसाइल को लेकर क्यों अपने जासूसी पोत भेजे थे। दरअसल दोस्तों, भारत के DRDO ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। ये टेस्ट 3 अप्रैल को शाम 7 बजे ओडिशा के DOAPJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। टेस्ट के दौरान नई पीढ़ी की मिसाइल ने अपने विश्वसनीय प्रदर्शन को बनाए रखते हुए सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा कर लिया। इस मिसाइल की टेस्टिंग की निगरानी करने के लिए बाकायदा कई जहाजों को तैनात किया गया था। भारतीय सेना के रणनीतिक फोर्स कमांड ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रात के समय सफल परीक्षण किया है। इससे इस मिसाइल की खासियतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये मिसाइल अग्नि सीरीज की मिसाइलों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। इस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV वॉरहेड लगा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट्स पर हमला कर सकते हैं। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल हाई इंटेंसिटी वाले विस्फोटक, थर्मोबैरिक या न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। मिसाइल पर 1500 से 3000 किलोग्राम के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल का वजन 11000 किलोग्राम है। ऐसे में यह एक साथ कई टारगेट पर निशाना साध सकती है। इस मिसाइल को जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि प्राइम ये 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली मिसाइल है। तीसरा स्टेज है यानी मैन्यूवरेबल रीएंट्री व्हीकल, यानी तीसरे स्टेज को दूर से नियंत्रित करके दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमला कर सकते हैं। इसे BML टट्रा ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर से दागा जाता है। इसे तब बनाया गया जब चीन ने DF-12D और DF-26B मिसाइलें बनाई, इसलिए भारत ने एरिया डिनायल वेपन के तौर पर इस मिसाइल को बनाया। परमाणु बम गिराने में सक्षम यह मिसाइल भारत की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है। जानकारी के मुताबिक
इसे अग्नि सीरीज की पुरानी पड़ चुकी अन्य मिसाइलों को हटाने के लिए बनाया जा रहा है। इससे पहले भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया था, जो एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। चीन क्यों कहता है अग्नि प्राइम को किलर मिसाइल? नई अग्नि प्राइम में कौन सी तकनीक को देख हैरान है चीन? दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अग्नि प्राइम मिसाइल को पाकिस्तान किलर मिसाइल कहा जाता है। अग्नि प्राइम मिसाइल के अंदर एक ऐसी नई तकनीक लगाई गई है जो ज्यादा सटीकता से हमला करने में सक्षम है। यही नहीं, इससे इसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना भी आसान नहीं है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी परमाणु तबाही मचाने की क्षमता रखती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अग्नि प्राइम मिसाइल को पृथ्वी, अग्नि 1 और अग्नि 2 परमाणु मिसाइलों से रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि यह किसी भी मिसाइल को रिप्लेस नहीं करने जा रही है। यह अग्नि मिसाइलों की श्रेणी में शामिल है, जिसमें आधुनिक फीचर को शामिल किया गया है। यह मिसाइल बहुत तेजी से अपना रास्ता बदलने में सक्षम है और इसकी सटीकता को बढ़ाया गया है। वैज्ञानिकों की तरफ से ये कहा गया है कि इस अग्नि प्राइम मिसाइल में उसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइलों में इस्तेमाल किया गया है। इसमें लेटेस्ट नेविगेशन सिस्टम लगा है। ये कनस्तर सिस्टम के जरिए दागी जा सकती है, जिससे इसे कहीं भी आसानी से रेल और रोड के जरिए ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल 2 स्टेज वाली है और सॉलिड फ्यूल से चलती है। एक सूत्र ने द प्रिंट से कहा कि अग्निपी मिसाइल अगर जरूरत पड़े तो दागे जाने के बाद रास्ते एक जगह पर रास्ता भी बदल सकती है। इसी वजह से इसे मार गिराना आसान नहीं है। यह क्षमता आम तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों में नहीं होती है। परमाणु हथियारों के विशेषज्ञ विपिन नारंग का कहना है कि इस मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन के परमाणु हथियारों को परमाणु हमले से तबाह करने के लिए बनाया गया है। यह काउंटर फोर्स डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारत ने नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करता है। भारत ने यह भी कहा है कि परमाणु हथियार प्रतिरोधक क्षमता के लिए है। विशेषज्ञों का कहना है कि अग्नि प्राइम की रेंज 2000 किमी ही है, लेकिन यह चीन के कई इलाकों में तबाही मचाने की क्षमता रखती है। अगर इसे भारत किसी रणनीतिक स्थान से दागा जाता है तो यह पश्चिमी, मध्य और दक्षिण चीन में महातबाही मचा सकती है। इससे भारत चीन के आर्थिक पावर हाउस कहे जाने वाले शहरों चेंगदू, सिचुआन और हांगकांग तक भी हमला कर सकता है। यही वजह है कि चीन ने अपने जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में तैनात कर रखा है, ताकि भारतीय मिसाइल की जासूसी की जा सके, उसकी ताकत को जाना जा सके। लेकिन अफसोस, चीन इसमें सफल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यहां पर आपको यह भी बता दें कि अमेरिका ने इस मिसाइल को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट पहले ही जारी की हुई है कि यह मिसाइल एशिया में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की नई पीढ़ी की यह मिसाइल मात्र कुछ सेकंड में पाकिस्तान को तबाह करने की बेजोड़ ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसका कनस्तर के अंदर बंद होना है। टिन के डब्बे में बंद होने की वजह से इस मिसाइल में परमाणु बम को फिट करने में लगने वाला समय नहीं लगता है और भारत बहुत जल्द भीषण हमला करने में सक्षम हो गया है। दोस्तों, ऐसी कमाल की मिसाइल तैयार करने वाले भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिदम जय भारत तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।